अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया फौजी डिस्ट्रिक्ट इन्फो में। आज हम मल्टी सेटअप लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये 2-2.5 फुट की छतरी है जिस पे हमने मल्टी सेटअप बनाया है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि एक वीडियोकॉन स्ट्राइटर मैंने लगाई है और दूसरी डीडी फ्रिज जिसको NS6 भी कहते हैं। तो आज हम ये चेक करेंगे, मैंने ये सेट कर ली है। काफ़ी दोस्त कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि ये जो सेटेलाइट जो नीचे रिसीव होती है ये ऊपर कैसे हो जाती है। अभी ये जो सेटेलाइट है, ये वाली जो ब्लैक काली लगी हुई है लंबी, ये हमारी वीडियोकॉन की सेटेलाइट है। ये जो सेटेलाइट मैंने आपको चेक कराई, ये वीडियोकॉन की सेटेलाइट है। और ये जो ऊपर जो मैंने लगाई हुई है, ये वाली लंबी सफ़ेद लंबी, ये डीडी फ्री डिश है। ये डीडी फ्री डिश है और ये जो है ये वीडियोकॉन सेटेलाइट है। तो हमेशा जब भी साइड लंबी हम लगाएंगे, जो नीचे रिसीव होने वाली सेटेलाइट है वो ऊपर चली जाती है। जो ऊपर वाली अगर हम साइड लंबी में दरमियान में जो हम होगी वो नीचे चली जाएगी। जो भी सेटेलाइट दरमियान में होगी उससे अगर नीचे जो रिसीव होती है तो वो उसके ऊपर रिसीव होगी, और जो उसके ऊपर रिसीव है उसके नीचे रिसीव होगी। ये मल्टी सेटअप का एक मेथड है, ये आप अपने जहन नशीन कर लें। वैसे अगर आप वीडियोकॉन सेटेलाइट लेंगे तो यहाँ पे ही रिसीव होगी, और NS6 वैसे नीचे होती है, वीडियोकॉन के नीचे होती है। अगर सिंगल LMB आप लगाएंगे, जब डबल LMB लगाएंगे तो NS6 वीडियोकॉन के ऊपर चली जाती है। तो ये आप लोग अपने जहन नशीन कर लें। तो अभी हम चेक करते हैं। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है आप सभी लोगों को। मेरा एक यूट्यूब का दोस्त है, हाल ही में दोस्त बना है नया, पाक डीटीएच नाम से उसका यूट्यूब का चैनल बना हुआ है। उसके सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं, वो बंदा भी बहुत अच्छा है, और मैं ज़्यादातर उसको देख के ही अपने जो जितने भी मल्टी सेटअप बनाता हूँ, जो भी चीज़ बनाता हूँ, हमेशा अच्छे उस्ताद को बंदा पकड़े और उससे बंदा कुछ सीखे। वो यानी कि इस मामले में ये जो डिश के सेटअप मल्टी बनाते हैं ना, इस मामले में वो अच्छा उस्ताद है। उसका अपना चैनल भी बना हुआ है पाक DTH, और वो DVB फाइंडर भी बनाता है। मैं आपको फाइंडर चेक कराता हूँ। ये DVB फाइंडर मैंने उसको बोला था तैयार करके वो दे, तो उसने मुझे ये DVB फाइंडर भी तैयार करके भेजा है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये वो तो मुझे बड़े वाला भेज रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला मुझे छोटा चाहिए, मेरी बैग छोटी है, उसके अंदर जैसे फिट आना चाहिए, क्योंकि ये 7 इंच वाला है। और उसने फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल से 7 इंच वाला पीस ढूंढ के, और ये लुप्पी मैंने उसको बोली थी कि ये जो लुप्पी है ये आप चेक कर सकते हैं, टेलीविज़न वाली लगाएं। तो उसके पास ये लुप्पी तो कह रहा था मैं लगा दूंगा, लेकिन उसके पास काम ज़्यादा था। बाद में मैंने ये खुद ही किसी कारीगर से लगा के, क्योंकि मेरे दोनों हाथ आप चेक कर सकते हैं, मेरे दोनों हाथ इस तरह हैं, मैं डिसेबल बंदा हूँ, लेकिन भाई ने ये समझो मेरे लिए गिफ्ट बना के दिए। बहुत ही प्यारा DVB फाइंडर है। इससे अगर आप लोग अगर उससे कहोगे तो वो आपको भी बना के देगा। उसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप लोगों को। जो भी कोई DVB फाइंडर बनवाए तो मेरी यानी कि एक अच्छी डिसीजन है, क्योंकि उसने मुझे तैयार करके और कम कीमत में तैयार करके बना के भेजा है। इसका भी रिव्यू आप चेक कर लेंगे, और ये जो मैंने मल्टी सेटअप बनाया है इसका भी रिव्यू मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अभी हम इसका भी रिव्यू चेक करते हैं और इसका मल्टी सेटअप भी देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे NS6 को, क्योंकि ये फ्री टू एयर चलता है और बहुत प्यारा अच्छा वर्क करता है NS6। इस मल्टी सेटअप में दोनों सेटेलाइट बहुत प्यारे चलते हैं, अच्छे चलते हैं। रिमोट मैंने जेब में रखा हुआ था, तो अभी मैं छतरी के आगे भी आ रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को चेक कराते थे। ये आप चेक करें, ये वायर मेरे पास वही है जो छतरी में है। ये मैं आप लोगों को अभी NS6 चला के चेक कराऊंगा।
ये अब चेक कर सकते हैं, ये ऑन हो रही है। अभी इसके बैक साइड उसने रिसीवर का भी बटन रखा हुआ है और रिसीवर को भी उसने अंदर यानी कि चार्ज करने के लिए भाई ने बहुत प्यारा सा सेटअप बना के मुझे दिया है। हम इसको एवी पे करेंगे। अभी ये पाक सेट पे है तो इसकी सैटेलाइट हम चेंज करेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा हिल रहा है और मैं आगे आ रहा हूँ छतरी के। ये आप चेक कर सकते हैं मैं आगे आ रहा हूँ छतरी के, इसीलिए चैनल जो है ना रुक के चल रहा है, अड़ जाता है। तो मैं आगे से दूर हो जाऊँगा तो ये चैनल वर्क करना शुरू हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, अभी चैनल चल रहा है। आवाज़ का इशू आ जाएगा, वॉइस करूँगा तो आवाज़ करूँगा तो फिर आवाज़ का इशू आ जाएगा। तो आप इधर से चेक कर सकते हैं चैनल चल रहा है। तो ये चैनल हम इसके चेंज भी करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं एमटीवी बिट चल रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। आगे आ जाऊंगा तो रुक जाएगा, आगे आ जाऊंगा तो रुक जाएगा, क्योंकि आगे आने से छतरी के आगे आ जाता हूं मैं तो ये रुक जाता है। ये इधर से आप अगर चेक कर सकते हैं तो इधर से आप चेक कर सकते हैं, ये भी हिल गया। ये अभी फिर वीडियो कॉल भी चेक कराना था इसीलिए मैंने नॉर्मल लगाया था, ये चेक कर सकते हैं अभी। तो ये अभी चल रहा है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो इसको अभी मैं जूम सिग्नल पे कर देता हूँ। जूम सिग्नल वाला इसमें भाई ने सॉफ्टवेयर करके दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं आगे आ जाऊंगा तो जूम सिग्नल सिस्टम आउट हो जाएगा, पीछे से चल भी रहा होगा बैकग्राउंड पे। वॉइस का इशू आ जाता है इसीलिए मैंने वॉइस इसकी यानी के सॉन्ग की बंद की हुई है। एमटीवी बिट लगा हुआ था, NF6 का एमटीवी बिट लगा हुआ था, ये आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉइस कर देते हैं, आप चेक कर सकते हैं इधर बिल्कुल ही बेहतरीन अच्छे किस्म से। एक ही चैनल हम नहीं लगा सकते क्योंकि आपको पता है फिर ये 100% है, यानी कि दोनों की दोनों सैटेलाइट 100% ट्रैक हुई है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मस्ती चैनल है अभी तो, सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम सैटेलाइट करेंगे चेंज, अभी हम सैटेलाइट करेंगे चेंज और सैटेलाइट देंगे अपना वीडियो कॉन वाली। क्योंकि आजकल इन्होंने जो है ना बहुत ही सख्त कर दिए हैं कानून यूट्यूब वालों ने, बड़े कॉपीराइट लगते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो जो है ना कम बनाना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी वीडियो मैं बनाता था और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता था, लेकिन आजकल पहले एक स्ट्राइक मेरे यूट्यूब चैनल पे आई हुई है तो इसीलिए वीडियो जो है ना काफ़ी कम बनाते हैं हम। अभी फिर आप लोगों को ये भी चेक करा लेता हूँ, ये भी लग गया। अभी ये अभी आप चेक कर सकते हैं कि 72% जो है ना इसके जूम सिग्नल वाला पर लगा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं इसके 72% क्वालिटी है। और मैं आधा छतरी के आगे हूँ, आधा आगे भी आ गया हूँ, तो ये चेक कर लें। तो वीडियो कॉन भी स्टेबल है और अपना NS6 फ्री डिश जो है एक ही छतरी पर यानी कि डबल मज़े, दोनों ही स्टेबल चल रहे हैं बेहतरीन किस्म से और अच्छे वर्किंग के साथ। और ये भाई ने मेरे लिए जैसे गिफ्ट भेजी है, बहुत ही जल्दी ट्रैक करा लेता है ये सॉफ्टवेयर जूम सिग्नल वाला। और इसका जो ये वाली साइड है, ये वाली जिसको हम कहते हैं सिग्नल वाली साइड, ये वाली साइड इसकी अच्छे तरीके से यानी के भाग दौड़ करती है जब हम नज़दीक आ जाते हैं फ्लाइट के,
तो पता लग जाता है कि इतने परसेंटेज जो हो गए हैं 80-81% हो जाए तो यानी कि इसमें कंफर्म कोई ना कोई सैटेलाइट आ गई। तो ये सॉफ्टवेयर भी मुझे बहुत अच्छा लगा सैटेलाइट ट्रैक कराने के लिए, ये GX वालों का इसमें उसने बॉक्स डाला हुआ है तो बहुत अच्छा बेहतरीन वर्क कर रहा है। फिर से मेरी वही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कीजिएगा, हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के देते हैं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। आपका अपना असद जमाली।